नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। विगत दिनों अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान प्रमुख मुल्ला मंसूर के साथ मारे गए एक पाकिस्तानी वाहन चालक के परिजनों ने अमेरिका के खिलाफ रविवार को पुलिस के पास एक मामला दर्ज कराया और संबंधित अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी हमले में मारे गए वाहन चालक मोहम्मद आजम के भाई मोहम्मद कासिम ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि उसका भाई कोई आतंकवादी नहीं था और उसका तालिबान से कोई संबंध भी नहीं था। सऊदी अरब के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वह अपने नागरिकों को इस साल हज के लिए सऊदी अरब में मक्का नहीं भेजेगा। ईरान हज संगठन ने कल इस मामले में रोड़ा अटकाने के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह ईरानी नागरिकों को हज यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा देने की उनकी मांग को कथित रूप से कोई महत्व नहीं दे रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां ना भेजने का निर्णय ही लिया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निंदा के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि चार अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के सिलसिले में एक किशोर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन साथ ही पुलिस ने इन हमलों के नियोजित या नस्लीय होने से इनकार किया है। यूक्रेन के कीव में स्थित एक वृद्धाश्रम में रविवार को लगी भीषण आग में करीब 17 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक राजकीय आपात सेवा विभाग ने बताया कि इस निजी वृद्ध आश्रम में आज सुबह 3:40 पर लगी। इस दौरान यहां करीब 35 लोग मौजूद थे। इस दौरान बचाव दल और अग्निशमन विभाग के 150 कर्मी मौके से 18 लोगों को बचाने में कामयाब रहे। घायलों में करीब 5 वृद्धों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। यूक्रेन सरकार ने इस दुर्घटना की जांच के लिए एक विशेष आयोग गठित किया गया है। विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।